अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है एडवांस वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 17 और हम लेक्चर नंबर 16 to 20 WP बेकरी पे काम करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 16 में जो है मैंने आप लोगों को इसका बेसिक जो है बता दिया था, ठीक है, कि भाई हम किस तरीके से जो WP बेकरी पेज बिल्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये था लेक्चर नंबर 16, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था WP बेकरी पेज बिल्डर होता क्या है, सेटअप कैसे करते हैं इसका, ठीक है, बेनिफिट्स फीचर्स क्या हैं, इसको इंस्टॉल एक्टिवेट कैसे करते हैं, बेसिक सेटअप कैसे करते हैं। और आज के लेक्चर में हम इसकी कंप्लीट सेटिंग देखेंगे, पोस्टक्रेट करेंगे, फ्रंट एंड व्यू देखेंगे, बैक एंड व्यू देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं WP बेकरी पेज बिल्डर पर। प्लग इन हमने कर लिया था, लास्ट लेक्चर आप लोग लाजिम देखिएगा, फिर ही आप लोगों को इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल थीम्स में आ जाना है, ठीक है। और पहले हमने थीम किया था, यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक किया था लास्ट लेक्चर में, और यहाँ पे सर्च किया था WP बेकरी पेज बिल्डर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है वो थीम आ गया था, उसको इंस्टॉल किया था। लेकिन अब हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्री थीम्स फॉर WP बेकरी पेज बिल्डर। आप जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आप लोगों के सामने जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। अब हम जो है अपने सिस्टम से जो थीम है वो अपलोड करेंगे, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमें आइडिया मिल जाएगा ना, ठीक है, मेन चीज़ आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें भाई जो ये थीम, ठीक है, आप लोग चेक कर रहे हैं कि WP बेकरी पेज बिल्डर के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आस्ट्रा थीम, अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि भाई ये तो एलिमेंटर है, भाई आप लोग इस पेज बिल्डर के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 थीम है इनमें से हम कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। ओशन WP जो है हम इसको कॉपी करते हैं क्योंकि हमें आइडिया मिल गया, ठीक है। ये जाहिर है कि मुझे तो पहले आइडिया था, आप लोगों को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस पेज पर आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एड न्यू थीम पर आप लोगों ने क्लिक कर देना, ठीक है, और यहाँ पर सर्च में लिखना है ओशन WP। ये वो मैं आप लोगों को थीम बता रहा हूँ जो कि आप लोग ये समझें कि जिस तरीके से फ्लैटसम थीम है ना, ठीक है, उसका भी मैंने शॉर्टली बताया था, एक्सप्लेन करूँगा जब UX पेज बिल्डर पे काम करेंगे लेक्चर नंबर 21 से, कि भाई फ्लैटसम जो थीम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है। और इसकी कोई आप इसकी सेल्स ही देखेंगे ना फ्लैटसम थीम की, मैं आप लोगों को अगर शो करवा दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो भाई लाखों के हिसाब से, ठीक है, टॉप का ये थीम है, ठीक है। और इसका पेज बिल्डर है UX पेज बिल्डर, जिस पर हमने काम करना है लेक्चर नंबर 21 to 25, ठीक है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनानी है हमने, उसमें आप लोग चेक कर रहे हैं इसकी सेल्स, ठीक है, 2,35,000 से ऊपर है, ठीक है, जो कि अभी जस्ट थीम फॉरेस्ट पे शो हो रही है। बाकी जो वेबसाइट से लोगों ने बाय किए हुए हैं, ठीक है, इन्वेटो एलिमेंट से भी और जो बाकी वेबसाइट्स काफ़ी बनी हुई थीम की, वहाँ से भी जाहिर है कि लोग बाय करते हैं। तो उसके जो मतलब जो ऑप्शन है कि भाई कितने लोगों ने बाय किया वो अलग है। तो भाई वापस आते हैं, अब देखते हैं कि भाई जो ओशन WP है ना, इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये WP बेकरी पेज बिल्डर का मेन थीम है ओशन WP, ठीक है, जिस तरीके से फ्लैटसम थीम UX पेज बिल्डर का मेन थीम है, ठीक है, जिस तरीके से हेलो एलिमेंटर थीम एलिमेंटर पेज बिल्डर का मेन थीम है, ठीक है। हेलो एलिमेंटर के जरिए हमने कितने वेबसाइट बनाई है आप लोगों को पता होगा, लेक्चर नंबर 10 to 15 अगर आप लोगों ने देखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम यूज़ करेंगे ओशन WP जो कि मेन थीम है WP बेकरी पेज बिल्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद सिंपल हम इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये देखें हमारे पास WP बेकरी पेज बिल्डर जो है ओके हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, ठीक है, मतलब इसके जो एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह हैं, तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल भी कर लेगा और एक्टिवेट भी कर लेगा, पेज रीलोड होगा आप लोगों के सामने, ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को काफ़ी जो स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि अलाउ करें, तो भाई आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो इसको हमेशा जो स्किप करता हूँ, ठीक है, मुझे इसकी जो है ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई ये आ गया हमारे पास ओशन WP पैनल, ठीक है ना, मतलब थीम का पैनल, जिस तरह से हमारे पास लास्ट 5 लेक्चर्स में हेलो एलिमेंटर की सेटिंग आती थी, ठीक है ना, तो इसी तरीके से इसकी सेटिंग आ गई। तो ये इसको हम अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, ये ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोर सेटिंग और क्रिएट पोस्ट, अब हम आ जाते हैं WP बेकरी पेज बिल्डर पर। यहाँ पर आने के बाद जनरल सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं, ज़ाहिर है हमें पेज बिल्डर की सेटिंग पता होगी तो थीम की सेटिंग समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले भाई डिजेबल रिस्पॉन्सिव कंटेंट, तो इसको हम डिजेबल नहीं करने वाले, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिव किसको कहते हैं, जिस तरह ये वेबसाइट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ तो ये देखें आप लोग, ठीक है, कंटेंट प्रॉपर शो हो रहा है, अभी देखें मतलब कोई भी लाइन इधर उधर नहीं हो रही। रिस्पॉन्सिव इसको कहते हैं कि मोबाइल में भी अच्छा व्यू आ रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। और अगर मैं इसको टैब का व्यू करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो भाई यहाँ पर भी अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है। तो भाई जाहिर है कि हर बंदा चाहता है रिस्पॉन्सिव हो, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दी हुई है इसको मतलब डिसेबल करने की, तो हम नहीं कर रहे इसको, ठीक है ना। उसके बाद गूगल फॉन्ट्स आप लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टॉप के ऐड है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाला करना है, मैंने उस पर जो सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद लोकल गूगल फॉन्ट्स कौन से,
ठीक है। तो भाई लोकल गूगल फोन्स अगर आप लोग अनेबल करना चाहते हैं आप लोग अनेबल कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो वही अनचेक है, ठीक है। उसके बाद डिसेबल गुटनबर्ग एडिटर। अब ये गुटनबर्ग एडिटर क्या होता है फ्रेंड, जो कि आप ये समझें कि अब वेबसाइट का, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वर्डप्रेस पे जाते हैं, उसका एक अपना जो एडिटर होता है पेज, मतलब एक एडिटर होता है, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। आप ये समझे आप लोगों ने वेबसाइट पे कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, ठीक है। तो भाई आप लोग उसको डिसेबल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है मैं नहीं कर रहा, जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स फॉर पोस्ट टाइप, ठीक है। अभी भाई जो पोस्ट टाइप के लिए टेम्पलेट्स हैं डिफ़ॉल्ट, उनमें आप लोगों ने यहाँ पे पेजेस जो है वो सेलेक्ट कर लेने, ठीक है। जाहिर है कि हमने जो टेम्पलेट है वो भी क्रिएट नहीं किए, ना ही हमने कोई पेजेस क्रिएट किए, ठीक है ना। तो वो आप लोगों ने, जाहिर है कि अगर आप लोग यहाँ पे पेजेस भी जाते हैं, एंड पेज पे क्लिक करते हैं, पोस्ट का पेज क्रिएट करते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ वो टेम्पलेट। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रोल मैनेजर, ठीक है। तो भाई रोल मैनेजर, जिस तरह हमने एलिमेंटर की सेटिंग को एक्सप्लोर किया था, इसी तरीके से डब्ल्यू पी बेकरी पेज बिल्डर की सेटिंग है। रोल मैनेजर सिंपल, जिस तरह आप लोगों का एक फेसबुक पेज है, उसमें एक एडिटर होता है, एक मॉडरेटर होता है, ठीक है, एक एडमिन होता है, ठीक है, एक मतलब कंट्रीब्यूटर होता है, इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन दी होती हैं, ठीक है। जाहिर है कि एक बंदा एक पेज या एक वेबसाइट मैनेज अगर नहीं कर, मतलब नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो उसकी एसेस किसी और को दे सकता है, लेकिन एक लिमिटेड एसेस, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं मैं एडमिन हूँ, तो मेरे पास शो हो रहा है भाई एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये एसेस है मेरे पास, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि एडिटर को एसेस देनी है, तो एडिटर के पास कौन कौन सी एसेस होनी चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। वो पेजेस मैनेज कर सके, ठीक है। बैकएंड एडिटर की आप लोगों ने एसेस देनी है एडिटर को, जाहिर है भाई एडिटर है तो उसको बैकएंड एडिटर की तो एसेस चाहिए होगी, आप लोगों ने इनेबल कर देना है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं क्लासिक एडिटर जो है वो डिसेबल करना है, आप लोग यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट एंड एडिटर, मैंने आपको बताया था बैकएंड एडिटर और फ्रंट एंड एडिटर, ठीक है। तो भाई ये दोनों यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो सिंपल भाई जिस तरह की एलिमेंटर पेज बिल्डर का था, ठीक है ना, फ्रंट एंड एडिटर, बैकएंड एडिटर, इसी तरीके से इसके, तो यहाँ पे भाई आप लोगों ने क्या करना है, इसको इनेबल कर देना, ठीक है, और जो फ्रंट एंड है इसको भी इनेबल कर देना। जाहिर है कि हमें दोनों चाहिए। अगर फ्रंट एंड पे कुछ काम इस तरह के होते हैं जो कि स्लो होते हैं, जाहिर है कि आप लोगों को पता है फ्रंट एंड जो एडिटर होता है ना, बैक एंड की निस्बत स्लो चलता है। तो बैक, अगर आप लोगों को थोड़ी इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप लोग फ्रंट एंड पे जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर है, फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये चाहेंगे भाई अगर मैं लेफ्ट साइड पर एडिटिंग कर रहा हूँ ना, तो राइट साइड पर मेरे पास एडिटिंग शो हो, ठीक है ना। इसी तरीके से जब मैं भी सीखता था, तो मैं भी इसी तरीके से चाहता था कि भाई जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ सामने शो हो। लेकिन बैक एंड एडिटर में ये होता है कि भाई आप लोग यहाँ पे कंप्लीट पेज पर एडिटिंग करते हैं, और शो करने के लिए अलग पेज को ओपन करके रीलोड करके चेक करते हैं कि वहाँ पे चेंजिंग्स हुई है या नहीं हुई, जिस तरह से हम HTML CSS पे काम करते हैं अपने अपने पास, ठीक है, विदाउट एडिटर, जो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज सबलाइम टेक्स्ट 3 में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है आप लोग मतलब पहले उसको अपडेट करते हैं, फिर आप लोग ब्राउजर में जाके वेबसाइट व्यू करते हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट है भाई अनफिल्टर्ड HTML, इसको इनेबल ही रखें, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका आगे एक्सप्लेन भी करूँगा, क्योंकि मैं अभी उन चीज़ों को ज़्यादा आप लोगों को बेसिक एक्सप्लेन करूँगा जो कि आप लोगों को पता चलना ज़रूरी है। लेक्चर नंबर 16-20 हम काम करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि एडवांस है वो हम एडवांस लेक्चर्स में देखते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ग्रिड बिल्डर, जाहिर है कि हमने इसको अनेबल रखना है, ठीक है, जो कि हमें पोर्टफोलियो ग्रिड बनानी हो, ठीक है, हमने कोई गैलरी बनानी हो, तो भाई उसके लिए होता है। इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप, बिल्कुल हमने इसको अनेबल रखना है, एक चीज़ को यहाँ से उठाया वहाँ पे उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप अनेबल, फ्रंट एंड और मतलब बैक एंड दोनों हमने अनेबल रखने हैं। उसके बाद कोड AI सेस, यही आप लोगों को पता है आजकल हर चीज़ में घुसा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी पेज बिल्डर है उसमें भी ऑप्शन आ गई हुई है, कोई आप लोग मोबाइल में भी करते हैं तो भाई उसमें भी ऑप्शन आ गई हुई है AI की, तो सिंपल जो है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल इसको अनेबल कर देना है, ठीक है। इसके बाद भाई यहाँ पे आ जाएगा ऑथर, और इसमें मतलब एडमिन के लिए क्या क्या चीज़ें इनेबल करनी है वो सारी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद कंट्रीब्यूटर आ जाएगा, जो कि आप लोगों को तमाम ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो इसकी बेसिक सेटिंग है उसका कंप्लीट आइडिया हो गया होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसके बाद डिज़ाइन ऑप्शंस भी आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद यूज़ कस्टम डिज़ाइन ऑप्शन, ठीक है। अगर आप लोग कस्टम जो डिज़ाइन ऑप्शंस हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग सिंपल अनेबल पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, जो कि थीम के अपने कलर्स हैं ना, ठीक है। अभी जाहिर है कि जिस तरह से एलिमेंटर पेज बिल्डर के अपने कलर्स थे, ठीक है, मतलब ऑरेंज था, रेड था, और इसी तरह WP बेकरी के भी हैं अपने पेज बिल्डर, मतलब जो अपने कलर हैं, ब्लू है इसका, स्काई ब्लू है, ठीक है, तो नेवी ब्लू है, इस तरह के। अगर आप लोग उसको डिसेबल करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग अनेबल कर देंगे। मेन कलर कौन सा होना चाहिए आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। हॉवर
कलर कौन सा होना चाहिए यहाँ से सेलेक्ट करें। होवर कलर क्या होता है? होवर कलर ये होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल इस तरह से ये समझे कि मैं यहाँ पे गया हूँ, ठीक है, तो अभी तो मुझे ये प्रोडक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, ये वाइट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर एरो लेके जाता हूँ तो आप लोग चेक कर रहे हैं कि भाई ये ब्लू शो हो रहा है, तो इसको कहते हैं होवर कलर, ठीक है। उसके बाद है कॉल टू एक्शन बैकग्राउंड कलर, तो भाई ये कॉल टू एक्शन का एक ऑप्शन होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई कॉल टू एक्शन का एक बटन होता है जिसपे लिखा होता है भाई मीटिंग का ऑप्शन होता है या कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, ठीक है, तो उसका कलर आप लोग चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरह गूगल मैप है, बाकी तमाम ऑप्शंस आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, और उनका जो साइज़ है वो भी आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ये जाहिर है कि थोड़ा एडवांस है, हम जब प्रैक्टिकली वेबसाइट बनाएंगे WP बेकरी पेज बिल्डर पे तो उस वक्त जो है मैं आप लोगों को इस चीज़ का एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वो कस्टम CSS, जो कि ऑप्शन आप लोगों को तमाम जगह पर मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई पेज बिल्डर में आप लोगों ने एक नया फंक्शन ऐड करना है, ठीक है, या कोई इस तरह की चीज़ अपनी मर्जी की ऐड करना चाह रहे हैं और आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज है, तो आप लोग उसका जो स्टाइल CSS है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कस्टम JavaScript, ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कोड JavaScript का भी ऐड कर सकते हैं और CSS का भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लाइसेंस, ठीक है, तो भाई ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है, WP बेकरी पेज बिल्डर, तो यहाँ पे आ रहा है डीएक्टिवेट, आप लोगों के पास आ रहा होगा एक्टिवेट करें, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट कोड्स, अब ये शॉर्ट कोड्स आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस पर अलग से लेक्चर बना के एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं बेसिक बता देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई गूगल मैप आप लोग अपनी वेबसाइट में शो करवाना है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका शॉर्ट कोड होगा जो कि 10 या 15 नंबर का होगा, वो आप लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, उसको इम्बेड कर देंगे अपने साथ, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप लोग फेसबुक पेज को किसी वेबसाइट में इम्बेड करते हैं, ठीक है, तो उसका कोड उठाते हैं वहाँ पर कर देते हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज जो है इसकी जनरल सेटिंग से लेके हमने शॉर्टकट तक जो कंप्लीट मैंने आप लोगों को इसके WP बेकरी की पेज बिल्डर की सेटिंग आप लोगों को समझा दी है, ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया कि भाई क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में, मुझे इजाजत दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।